हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीडकोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 95 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड जोर ब्यूटी ऑफ एरे और यह प्रॉब्लम मीडियम कैटेगरी की है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, एक एरे नम्स दिया हुआ है जिसका साइज कितना हो सकता है 10^5 तक का। उसके बाद आपको दिया हुआ है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ थ्री इंडिसेस। आपको कोई तीन इंडिसेस लेने हैं आई जे के, उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के। बेसिकली कोई तीन इंडिसेस लोगे, उसमें आई एथ पर जो वैल्यू पड़ी है उसका और करोगे जे एथ पर जो वैल्यू पड़ी है, और फिर इन दोनों का एंड करोगे जो के एथ पर वैल्यू पड़ी है उसके साथ। जोर ब्यूटी को ये कैसे डिफाइन करते हैं, द इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स। बेसिकली जितने भी सारे में पॉसिबल ट्रिपलेट्स हो सकते हैं उसके लिए आप क्या क्या चुन सकते हो, आई जे के बस कंडीशन दिया कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। बेसिकली आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हो और रिपीट भी कर सकते हो। बेसिकली आई और जे की वैल्यू सेम भी ले सकते हो, आई जे की तीनों की सेम भी ले सकते हो और तीनों की अलग भी ले सकते हो। तो आप कोई भी ट्रिपलेट बना सकते हो, उनकी ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे और जो जो वैल्यूज आएंगी उन सबका सब जोर कर दोगे तो वो आपकी क्या देगी, जोर ब्यूटी देगी, और आपको यही जोर ब्यूटी रिटर्न करनी है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, आपके एरे में दो एलिमेंट्स दिए हैं 1 और 4। तो इन्होंने कहा कि पॉसिबल ट्रिपलेट वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। बेसिकली आप इंडेक्स ऐसे चुन सकते हो आई जे और के। इन्होंने वैल्यू दिया कि आई जे के की वैल्यू आप 0 0 0 चुन सकते हो, 0 0 1 चुन सकते हो, 0 1 0, जो जो पॉसिबल है वो सारी इन्होंने लिस्ट करी है। ये 8 वैल्यूज इन्होंने लिस्ट करी है जो पॉसिबल वैल्यूज है आई जे और के की, इस दो एलिमेंट एरे के लिए। फिर उन्होंने इनका ये ऑपरेशन कैलकुलेट किया 1 और 1 एंड 1। बेसिकली आई जे के की वैल्यू जब आप 0 चुनते हो तो क्या आया, यानी कि हर एक में आप 0 एलिमेंट चुन रहे हो, तो 1 और 1 एंड 1 ये वैल्यू आई 1। इसी तरह इन्होंने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके ये वैल्यूज लिखी है। फिर क्या किया, इन सब का आपस में जोर किया। जोर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए जोर बी अगर दोनों सेम है तो क्या आता है, 0। अगर सेम है तो 0 आता है, अदरवाइज उनका जोर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जोर करने के बाद क्या हुआ, 0 0 से कैंसिल हो गया, 1 1 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया। बचे क्या आपके, एक ये 1 यूनिक बचा, एक ये 4 यूनिक बचा। तो इनका जोर किया तो इनका जोर क्या आया, 5, और वो आंसर में रिटर्न कर दिया। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास हर इंडेक्स पर कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। टोटल कितना साइज हो सकता है, 10^5 तक हो सकता है एरे का साइज। तो 10^5^3 कितना आएगा मेरा, 10^15। अगर मैं पूरा ब्रूट फोर्स लगाऊं तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ तक जाएगा, तो मुझे कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। जो इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या है कि आप सारे एरे एलिमेंट्स का जोर कर दो। सारे एलिमेंट्स का जोर कितने में हो जाएगा, ऑफ एन में हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मेन बात आती है कि ये सॉल्यूशन आया कहाँ से, इसके पीछे की इंट्यूशन क्या है, तो हम वो देख लेते हैं। अगर आपका एन 1 होता, यानी कि एरे में केवल एक ही एलिमेंट होता, तो आपके पास चॉइस क्या थी, आई जे के तीनों की सेम वैल्यू लेते। मैं यहाँ पर एरे के एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सिंगल एलिमेंट है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए और ए एंड ए, यही एक चॉइस होती है आपके पास। इसका आउटपुट क्या आता, ए आता, एरे एलिमेंट इटसेल्फ। और सिंगल एलिमेंट का जोर भी क्या होता है, वही एलिमेंट अपने आप में। तो हमारा जब एन 1 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एरे के एलिमेंट का जोर, या फिर कहूँ एरे का एलिमेंट खुद ही। अभी इस चीज़ को हम एक्सटेंड करते हैं एन इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। एन इक्वल टू 2 के केस में हमें पॉसिबल वैल्यूज तो एग्जाम्पल में ही दी हुई थी कि आई जे के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। अब मैं एरे के एलिमेंट को एक्चुअल वैल्यू से ना रिप्रेजेंट करके, हमारी वैल्यूज क्या थी, 1 और 4 थी, मैं इन 1 और 4 से ना रिप्रेजेंट करके किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए और बी। बेसिकली हम इसको जेनरिक बना रहे हैं कि वैल्यू कुछ भी हो, ए और बी के केस में आंसर क्या आता मेरा। तो मैंने क्या किया है, 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी एक्सप्रेशन बन रही थी वो लिख दी, ए और ए एंड ए। बेसिकली 0 क्या है मेरा, 0th इंडेक्स है, ये वाला 1 मेरा क्या है ए, 4 मेरा क्या है बी। तो क्या बनेगा, ए और ए एंड बी। 0 0 1 के केस में क्या बनेगा, ए और ए एंड बी। तो मैंने इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल एक्सप्रेशन थी वो यहाँ पर लिख दी। लास्ट में मुझे क्या करना है, जोर ब्यूटी के लिए इन सब का आपस में जोर करना है, राइट। और जोर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि एक्स जोर एक्स, बेसिकली अगर दोनों एलिमेंट सेम हो तो उनका जोर क्या आता था, 0। तो यहाँ पर यही चीज़ हम नोट करेंगे, जो मेरा ये ट्रिपलेट है ए और ए एंड ए, ये मेरा यूनिक है, बेसिकली ये ए को एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ये बी और बी एंड बी, ये वाला ट्रिपलेट भी मेरा क्या है, यूनिक है, इसका पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिकली सेम ए को एग्जिस्ट नहीं करता,
तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जितनी भी एक्सप्रेशन है ना वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये वाली जो मेरी एक्सप्रेशन है ए और ए एंड बी, ये क्या देगी मुझे, ए एंड बी देगी। इसी तरह ये वाली जो एक्सप्रेशन है बी और बी एंड ए, ये भी मुझे क्या देगी, बी एंड ए देगी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाली जो एक्सप्रेशन है ए और बी एंड ए, ये वाली एक्सप्रेशन मेरी किससे मैच करेगी, बी और ए एंड ए। बेसिकली ए और बी को हमने क्या किया है, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है, और ये एंड ए हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये वाली एक्सप्रेशन ए और बी एंड बी, ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली, इसमें भी हमने क्या किया, ए और बी का रिवर्स कर दिया है, बी और ए एंड बी ये आया, तो ये भी आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये वाला यूनिक एलिमेंट और ये वाला यूनिक एलिमेंट, ये एक्सप्रेशन क्या देगी, ए और ए एंड ए, ये देगी मुझे आउटपुट ए, और ये वाली देगी मुझे आउटपुट बी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए जोर बी। बेसिकली जो दो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में जोर मेरा आंसर आएगा, राइट। नाउ इसी चीज़ को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, एन की वैल्यू हमने ली थी 2, अब एन की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या होगा। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम में देखना चाहिए। तो जब हम एन ग्रेटर देन 2 के लिए देखेंगे तो हमारे जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे, ए बी सी, हमारे जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे उनके केस में क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो क्या लेंगे हम कि आई जे के इन तीनों की वैल्यू सेम हो, राइट। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आई जे के की हम वैल्यू इस तरह से चुनें कि 2 सेम हो और 1 डिफरेंट हो। और तीसरा केस क्या हो सकता है आपका कि तीनों ही एलिमेंट आपके डिफरेंट हो। यही 3 केस बनेंगे आई जे के को चुनने के। तो ये जो केस 1 और केस 2, इसकी टेबल तो हमने एन इक्वल टू 2 में देखी ही थी कि क्या आता था इस केस में आउटपुट, हमारे एरे के एलिमेंट्स का जोर, केवल वही एलिमेंट्स बचते थे यूनिक, अदरवाइज बाकी एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाते थे। जब हमारे एन की वैल्यू और बड़ी होगी, 2 से ज़्यादा होगी, तो हमारा बस ये न्यू केस ऐड होगा जिसमें हमारे तीनों एलिमेंट डिफरेंट हो, आई जे के इस तरह से चुनो कि वे तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स हो। तो इस केस में एक चीज़ नोट करिए, हमारी एक्सप्रेशन ए किस तरह की, ए और बी एंड सी, तीनों इंडेक्स डिफरेंट है तो 3 डिफरेंट एलिमेंट आएंगे, ए और बी एंड सी। तो जो भी मैं इस तरह से चुनूंगा, इसका मैं एक काउंटर पेयर चुन सकता हूँ जिसमें मैं बी और ए एंड सी, बेसिकली अभी मैं मान लो आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 3, ये 3 इंडेक्स चुनता हूँ। तो मैं k को फिक्स रख के, k इक्वल टू 3 रख के, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, बेसिकली मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो मैं ये पेयर भी एक चुन सकता हूँ। तो जो भी इस टाइप का पेयर होगा ए और बी एंड सी, इसका एक काउंटर पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसमें सी मेरा कॉन्स्टेंट होगा और बी और ए आपस में इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। ए और बी एंड सी का काउंटर पेयर क्या एग्जिस्ट करेगा, बी और ए एंड सी। तो इस तरह से जो भी 3 एलिमेंट डिफरेंट वाले हम चुनेंगे वो क्या करेंगे, आपस में पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। और पेयर्स में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हुआ, उनका जब भी जोर करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरह के सारे पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, हमारे ये वाले पेयर्स। और इनका आंसर हमें क्या पता है, क्या होता है, जोर ऑफ एरे एलिमेंट्स, जो कि हमने अभी देखा ही था एन इक्वल टू 2 के केस में। तो जब आपके एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7, 8, उस केस में भी आपका आंसर क्या आएगा, जोर ऑफ एरे एलिमेंट्स, सारे पेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। केवल कौन से पेयर कैंसिल नहीं होंगे, जिसमें आई जे और के तीनों की वैल्यू सेम हो। तीनों की वैल्यू सेम होने का क्या मतलब हुआ, हम एरे के एलिमेंट्स को चुन रहे हैं, पहले 0th एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, और लास्ट में इनका हम जोर लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जोर ब्यूटी। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड इसका बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि हमें बस एरे के एलिमेंट्स का जोर निकालना है। हमने स्टार्टिंग में नंबर 0 जो कि फर्स्ट एलिमेंट, उसको हमारे आंसर में ले लिया। फिर हमने 1, 2 लेके एन, जितना हमारे एरे का साइज था उसका हमने लूप चलाया और हम उसका जोर करते गए आंसर के साथ। लास्ट में इससे क्या होगा, हमारा सारे एरे के एलिमेंट का जोर हो जाएगा आपस में और वो आंसर में स्टोर हो जाएगा और हमने वही आंसर रिटर्न कर दिया। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O(n) और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हुई, O(1)। थैंक यू गाइज़।